हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सबको पता है कि हमारी जान बर्गर, मतलब बर्गर ना सभी को पसंद होता है, मुझे भी बाहर पसंद है। अगर हम इसको घर बना पाएँ तो कितना अच्छा होगा ना, और देसी स्टाइल में बनाएं, कोई झंझट नहीं है। यहाँ मैंने रेडी कर लिया आलू की स्टफिंग, इसकी मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि मैंने आपको पहले दिखा रखा है। वीडियो देखने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। यहाँ पर मैंने ले लिया है बंद, एक साइड पर मैं लगाऊंगी टमाटो केचप, आपके पास हो शेजवान चटनी तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई शेजवान चटनी। और एक पर मैंने लगा दी बाकी ना मार्केट से ग्रीन चिली वाली सॉस, मैंने वो भी लगा दी इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन से मैंने इस पर ये जो है सॉसेज यूज़ की है। फिर मैंने दोनों का इस अच्छे से स्प्रेड कर दिया। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको चिकन बर्गर ज़्यादा पसंद है फिर नॉर्मल टिक्की वाला आलू वेज बर्गर, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने एक ब्रेड साइज पे लगा दी आलू की स्टफिंग, ऐसे बिना टिक्की बनाए, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है, एकदम क्विक सा आपका बर्गर बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने रखा आलू आलू तो ये है ही, मैंने लगाई प्याज टमाटर और खीरा। मतलब ऐसा होता है ना, जब आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है फिर आपको कुछ चीज़ शूट करनी होती है तो ऐसा नहीं हो पाता बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल ऐसा प्रॉपर ऐसा हम उसे दिखा नहीं पाते, बट जब आपका काम हो जाता है ना तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है, अगर आपके साथ होता है मुझे कमेंट करके बताना। तो ऐसे क्या हुआ ना, मैंने पत्ता गोभी रखना भूल गई और जब वीडियो बन गई सब कुछ हो गया ना, फिर मैंने इतना प्यार डेकोरेट किया उसको और फिर मैं उसे खाने ही वाली थी कि मैंने फिर से एकदम फ़ोटो क्लिक कर लिया। मैंने सोचा चलो फ़ोटो ही लगा दूँगी। तो आप देख रहे हो ये वाला कैसा और ये वाला कैसा है, तो मतलब ये था ऐसा बट मैं इसको शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दिस। मतलब मैंने टिक्की रखी है, मतलब टिक्की नहीं, आलू को ना मैंने इस बार हर टिक्की की शेप में रखा, फिर टमाटर प्याज पत्ता गोभी रखी और बिना ऐसे बिना इसको फ्राई ऐसे शैलो फ्राई करे फोटो क्लिक कर लिया। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, खाने का तो सेम था बट खाने में दोनों सेम थे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।